India, of course, has been facing pressure from the West for its relations with Russia. What stance will India take in the future towards Russia as a result of this pressure? I can say a lot about India-Russia relations. The fact that I'm here today with a delegation to review our cooperation. For us, Russia has been steady and time-tested partner. उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया भाई ये जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं हमारे लिए एडवांटेजेस है, हमें फायदा पहुंच रहा है और ये इंडियन एडवांटेजेस के लिए है। जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का, उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर, ये बताने के लिए था कि हम वेस्ट के प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन उसमें उन्होंने बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर गए, आपसे दो घंटे पहले तकरीबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के वजीर खारजा के साथ। उस डेलीगेशन में वो एग्रीकल्चर को भी साथ लेकर गए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी और एक बहुत बड़ा लार्जर जो था उनका डेलीगेशन था। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हिस्टोरिकली, वी अप्रिशिएट ईच अदर, ये प्रूवन फ्रेंडशिप लव्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार, प्रूवन फ्रेंडशिप के ये कि हम जब मुश्किल में थे इन्होंने हमारा साथ दिया, ये जब मुश्किल है। अच्छा, इसी के साथ हम देखने के बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है इस वक्त रशिया में, हो गए हैं तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। देखिए इसमें इस वक्त जो रिएक्शन मेरी नजर में जो चीजें चल रही है, जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का, उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर, और यूक्रेन में देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन तो हो रहा है कि आइदर इंडिया इज इन अ पोजीशन टू आर्बिट्रेट इन बिटवीन, बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर गए, आपसे दो घंटे पहले तकरीबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के वजीर खारजा के साथ। उस डेलीगेशन में वो एग्रीकल्चर को भी साथ लेकर गए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी और एक बहुत बड़ा लार्जर जो था उनका डेलीगेशन था, और जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों को सामने रखने की कोशिश की। दार आपने नया एक ट्रेंड देखा होगा कि इस वक्त भारतीय जो भी हाई कमांड होती है टीयर वन के जो लीडर है वो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, वो पड़ोसी ममालिक के आके खिताब कर लेते हैं या टेररिज्म का हवाला देकर उसको वो उसमें लपेट में ले लेते हैं। इन्होंने जयशंकर साहब ने अपने तहफुजात का इजहार किया अफगानिस्तान के अंदर से टेररिज्म के बारे में और ईरान के बारे में, उन्होंने ढके छुपे लफ्जों के साथ उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मेंशन करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जिस तरह आपके रवाबत बढ़ रहे हैं, जिस तरह आपके आपके वजीर आजम जो है इस वक्त इजिप्ट है, आप रिसेंटली चाइना का दौरा था, रशिया से ग्रेन लेने की बातें थी F-16 का, F-16 अमेरिका ने आपको उसका कहा था, और आपके हाई टीयर वन लेवल के लोगों का अमेरिका का दौरा था, इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए जयशंकर साहब हैज गॉन टू रशिया टू सेंड द सिग्नल टू द वेस्ट कि इफ यू हैव ऑप्शंस वी हैव ऑप्शंस एज वेल। तो इट वाज अ सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल में दौरा है, इट वाज रिसीव्ड वेरी वेल। अब देखें, अब बॉल इज ऑन द कोर्ट ऑफ चाइना, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अमेरिका, और उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरीना पे